नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्रेसर काट के दिखाऊंगा। कंप्रेसर के अंदर क्या क्या रहता है, कैसे ये वर्क करता है और ये कैसे प्रेशर फेंकता है, कैसे क्या है इसमें क्या लगा रहता है, और मैं इसको कट करके दिखाऊंगा आपको। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस कंप्रेसर को अभी हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये समसम का है, कंप्रेसर है। ये फ्रिज में लगा हुआ था, तो हम इसको कटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमने इसको कट कर दिया है। तो हमें ऊपर का जो खोपड़ा है इसको हम निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमने इसको खोल दिया है, पूरा कट करके निकाल दिया पूरा अंदर का। और ये काफ़ी बहुत मोटी चादर होती है, पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों। इसको हमने कट किया कैलेंडर की मदद से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक मोटर लगा है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से इसको गाँचा गया है। और ये हमारा स्प्रिंग दिया है, पाइप के अंदर लगाया गया है। और ये इसके अंदर पाइप है, उसके ऊपर स्प्रिंग है। और हम इसको कट करेंगे पाइप को, तब उसके बाद हम खोलेंगे इसको, क्या क्या इसके अंदर रहता है, कैसा वर्क करता है ये हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा रिंग दिया है, शायद रिंग है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये पिस्टन लगाया गया है छोटा से, जो कि यही प्रेशर बाहर निकालता है। एक तरफ से अंदर खींचता है, एक तरफ से बाहर फेंकता है। तो ये हमारा जो है सब इसमें लगा रहता है, जो कि पत्ती वगैरह सब लगा रहता है इसमें, सब इसमें सब पूरा डिवाइड रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फिल्टर लगाया गया है, जो कि इसमें कचरा ना घुसे इसके अंदर, इसलिए लगाया रहता है। तो हम इसको पाइप को कट करेंगे, पहले इसको ये जो नट है हम इसको खोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इसको पाना की मदद से इसको हम खोलेंगे। हम खोल दिया, इसको हम बाहर की तरफ से निकालेंगे। इसको ये हमारा निकल गया ढक्कन, इसको हम साइड में कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया है, कनेक्ट किया है वायर को, जो तीनों खूंटी में लगा रहता है। इसको हम अलग कर लेते हैं। करने के बाद हम इसको निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरह से निकला। आप देख सकते हैं इसके अंदर तेल भी रहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें स्प्रिंग लगाया रहता है। ये पूरा झूला पर रहता है, जो मोटर पूरा रहता है ये पूरा कंप्रेसर के अंदर का, ये पूरा झूला पर रहता है। ये स्प्रिंग लगाया है चारों, और खाली एक ही पाइप इसमें कनेक्ट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये खींचता है, इस वाले पाइप से प्रेशर खींचता है, और इस वाले पाइप से आपका प्रेशर बाहर फेंकता है, जो कि हमने जहाँ से ये यहाँ से खोला है। तो ये जो यहाँ पे रिंग, पिस्टन रिंग जो लिया लगाया है इसमें, कनेक्ट किया है, तो यहाँ के थ्रू इसमें जाता है। इसमें जाने के बाद इसमें से तब इसमें जाके निकलता है प्रेशर। अब हम दोस्तों इसको हम दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये प्रेशर खींचता है, जो कि ये जो स्प्रिंग इसमें
स्प्रिंग जो लगा है ये पाइप बाहर की साइड है, ये वाला स्प्रिंग इसमें कनेक्ट था इस वाले पॉइंट में। फिर हम इसको देखते हैं दोस्तों, ये निकलता है कि नहीं हमारा। अब मैं इसको दोस्तों, ये जो पूरा मोटर का पोजीशन है जिसमें कॉइल पूरा गाँठा गया है, इसको मैं पूरा बाहर निकालूंगा, जो कि यहाँ पे नट बोल्ट दिया गया है। तो हम इसको खोलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको पूरा चारों तरफ से नट खोल दिया है, चार ठुल दिया था, और ये इसमें पत्ती लगा के टाइट किया गया था लोहे की पत्ती से। तो हम इसको, चलिए दोस्तों इसको हम निकालते हैं। देखिए बहुत ही इजी तरह से निकल गई है हमारा कॉइल पूरा, जो जिसमें पूरी वायर गछी हुई है। ये हमारा चीज़ पूरा इसी में फिक्स है, पूरा आप देख सकते हैं ये पूरा इसी में फिक्स रहता है। तो हम इसको दोस्तों अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जो चीज़ है ये रोटरी रहता है, रोटर इसको बोलते हैं। तो ये पूरा अलग हो गया है, और जो ये हमारा चीज़ है कॉइल जिसमें तार गुछी हुई है, ये हमारा पूरा अलग हो गया। और यहाँ पे तीन तार रहता है, ये आपका ये देख सकते हैं आप, ये पूरा रेड कलर का मार्किंग किया गया है इसमें, ब्लैक कलर का, ये बिल्कुल पूरा वाइट है। तो ये हमारा जो ब्लैक कलर का वायर हो गया जिसमें मार्किंग किया, ये हमारा कामन है। और ये हमारा जो रेड कलर का वायर हो गया, ये आपका रनिंग रहता है दोस्तों, रनिंग। और ये वाला जो तार है जिसमें बिल्कुल वाइट है, ये पूरा स्टार्टिंग हो गया। इसमें आपको तीन पिन रहता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको हमने खोल दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ये पूरा एल्युमिनियम का है, बहुत हल्का है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, ये एल्युमिनियम का शायद है। और ये हमारा हो गया फिल्टर, जो कि इसमें से जो प्रेशर जब खींचता है तो ये पूरा बाहर से कचरा इसके अंदर पूरा जमा हो जाता है, तो इसलिए इसमें कचरा नहीं जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पत्ती लगाया है इसमें, और ये जो एक पत्ती और है, देखिए ये एक पत्ती है, और यहाँ पे ये रबड़ का लगाया गया है, और ये जो है, ये जो इसमें पिन दिया है छोटा से, जो कि ये ऊपर नीचे शायद हो रहा है, ये इसको चेक करते हैं। हाँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये प्रेशर को रोकता है बंद करता है, रोकता है बंद करता है। पत्ती इसमें दिया है, इसको खोल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पत्ती है बिल्कुल बहुत ही पतला है, और इसके ऊपर ये रबड़ चढ़ाया गया है, जो कि ये रबड़ नहीं रहता है कुछ, वो बहुत बहुत हार्ड चीज़ रहता है ये। और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं पत्ती है, आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा से ब्लैक हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा कचरा हमने ऐसा खींच लिया था दोस्तों ये, तो हम उसको साइड में रखते हैं। और ये अब आता है हमारा मेन चीज़, ये चीज़ आप देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया पिस्टन। अब इसको हाथ लगा के हम बंद करके इसको हम घुमाएंगे, तो ये हमारा हाथ खींच रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, देखिए पूरा हाथ को मोड़ा चपक ले रहा है ये। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो फ्रिज का कंप्रेसर रहता है ज़्यादा चीज़ नहीं रहता है, आप इतना ही जो भी हमने खोला है आपके सामने इस खोला है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, आपको जितना भी है सब यही सब इसमें लगा रहता है। कंप्रेसर में एक कॉइल रहता है, और ये रोटर रहता है, और जो कि इसमें रिंग पिस्टन दिया है, ये छोटा सा आपका रिंग हो गया है, और ये पिस्टन है। तो ये दो हम पत्ती लगाया है, ज़्यादा चीज़ नहीं है। और ये इसके ऊपर का पूरा कवरिंग किया गया है, ये एल्युमिनियम का है, और ये फिल्टर दिया है, और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, एक ही पाइप खाली आपको
इसमें कनेक्ट रहता है जहाँ से हमने खोला है, आप देख सकते हैं ये सेम ऐसा इधर भी था जिसमें पॉइंट जॉइंट था, ये इसके अंदर पूरा होल रहता है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ इसमें रहता नहीं है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।